नमस्कार, मैं प्रेरणा शर्मा थिंक टैंक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, डिंपल यादव ने समाजवादी पार्टी की विरासत मैनपुरी फिर से हथिया ली है। आपको बता दें, बीजेपी के प्रत्याशी रघुराम शाक्य को हराकर डिंपल यादव फिर से बीजेपी की जो जो आम जो समाजवादी पार्टी की विरासत है उसको फिर से अपने हाथों में ले आई है। लेकिन क्या आप जानते हैं, डिंपल यादव को कभी भी सियासत में, पॉलिटिक्स में रुचि नहीं थी। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, जब रुचि ही नहीं थी तो डिंपल यादव पॉलिटिक्स में कर क्या रही हैं? खुद अखिलेश यादव ने एक इंटरव्यू के दौरान इस बात का खुलासा किया कि खाने के मेज पर बैठते वक्त डिंपल और मेरे बीच कुछ ऐसी बातें हुई जिसको सुनकर डिंपल यादव ने राजनीति से तौबा कर दी। इसके बावजूद जो जीत मिली है मैनपुरी में समाजवादी पार्टी को, इसने 1996 से चलती आ रही जो एक सियासत थी, जो एक किंगडम था अपना, उसको फिर से बचा लिया है। डिंपल यादव की ये तीसरी लोकसभा की सबसे बड़ी जीत है। लेकिन सवाल फिर से यही उठता है कि आखिरकार डिंपल यादव को राजनीति में रुचि क्यों नहीं है? आपको बता दें, इस जीत ने परिवार को भी एकजुट कर दिया है। शिवपाल यादव यानी कि अखिलेश यादव के चाचा जी, जो काफी लंबे समय से अखिलेश यादव से नाराज चल रहे थे, वो भी इन चुनावों में डिंपल यादव के लिए प्रचार प्रसार करते हुए दिखाए गए। क्या है पूरा मामला, जानिए आज की इस रिपोर्ट। दोस्तों, डिंपल यादव और राजनीति का कोई मेल नहीं था। डिंपल यादव एक आर्मी मैन की बेटी थी और अखिलेश यादव जो शुरू से ही सियासी घर से रहते हैं, सियासत उनके खून खून में है, वो राजनीति में डूबे हुआ पूरा परिवार है। अब ऐसे में जब डिंपल यादव ब्याह कर इस घर में आती हैं, तो शुरुआत में तो वह एक गृहिणी बनकर रहती हैं। बच्चों की जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी में ये सब चीजें उन्हें कहाँ याद रहती हैं। लेकिन आपको बता दें, डिंपल यादव ना सिर्फ एक बढ़िया नेता बनी, राजनेता के रूप में उभरी, बल्कि सीधी साफ सुथरी राजनीति करने वालों की एक लिस्ट में अपना नाम कायम किया। आपको बता दें, बात 2009 की है जब मुलायम सिंह यादव चुनाव लड़ रहे थे और उन्हें अपने बेटे अखिलेश यादव के फ्यूचर की बहुत चिंता थी, तो उन्होंने सबसे ज्यादा सेफ सीट्स फिरोजाबाद और कन्नौज से अखिलेश यादव को जो है चुनाव लड़वाए, जिसके बाद वह दोनों ही सीट अखिलेश यादव जीत गए। लेकिन फिरोजाबाद को टाटा बाय बाय करते हुए कन्नौज की सीट पर वह जमकर उभरे। आपको बता दें, उसके बाद फिर मंथन शुरू हो गया कि फिरोजाबाद की सीट किसको दी जाए, किसको प्रत्याशी के रूप में खड़ा किया जाए, क्योंकि घर में विचार हुआ कि ये जो इतनी स्ट्रॉन्ग सीट्स हैं, जो सपा के गढ़ हैं, वो घर वालों के पास ही रहने चाहिए। आपको बता दें, उस समय धर्मेंद्र यादव भी सांसद थे, तो एक डिंपल यादव ही बच जाती है। वो पहली बार था जब डिंपल यादव घर की दहलीज लांग कर रोड़ों पर प्रचार करने निकली। मुलायम सिंह यादव के घराने की बहू पहली बार रोड पर प्रचार करने निकली, दोनों हाथ जोड़कर लोगों से वोट मांगने की अपील कर रही थी। लेकिन डिंपल यादव के अपोजिट में उनके जो विपक्ष के नेता थे, वो कांग्रेस के राज बब्बर थे, जिसको हराना थोड़ा मुश्किल था, और हुआ वही जिसका डर था। डिंपल यादव अपना पहला ही चुनाव हार गई। इसके बाद आपको बता दें, 2012 में अपने दम पर पहली बार सपा ने पूर्ण बहुमत हासिल करी। उस समय अखिलेश यादव कन्नौज से सांसद थे, उस समय उन्होंने कन्नौज की सीट से इस्तीफा देते हुए सीएम की शपथ ग्रहण करी। लेकिन उसके बाद एक बार फिर दुविधा में आ गए कि अपने गढ़ को कैसे बचाया जाए, कन्नौज को, तो फिर दोबारा मैदान में उतरी डिंपल यादव। उसके बाद इतिहास रचा गया, निर्विरोध चुनी गई सांसद और कन्नौज से पहली बार डिंपल यादव जो है सांसद चुनी गई। ये एक इतिहास रचा था। उसके बाद 2012 में भी, 2014 में जब मोदी लहर चल रही थी, उसके बाद भी डिंपल यादव अपने दुर्ग को बचाने में कामयाब रही। लेकिन 2019 में ये सिलसिला टूट गया, जहां पर बीजेपी कन्नौज में अपना पांव जमाती हुई दिखाई दी। कन्नौज से सीट हारने के बाद समाजवादी पार्टी यानी कि सपा असमंजस में थी, जिसके बाद अखिलेश यादव पर परिवारवाद के भी आरोप लगने लगे। जिसके बाद एक इंटरव्यू के दौरान अखिलेश यादव ने खाने की टेबल का जिक्र किया। उन्होंने बोला, चुनावी लहर में मैं और डिंपल सुबह ही निकल जाते हैं, पूरे दिन चुनाव के प्रचार प्रसार करते हैं और शाम को खाने के टेबल पे एक दूसरे से पूरे दिन की बात करते हैं, तब भी हमें अपने लिए समय नहीं मिलता, हम चुनाव की ही बातें करते हैं। इसके बाद लग रहा था कि शायद डिंपल यादव अब कभी भी मैदान में नहीं उतरेंगे, लेकिन उसके बाद मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद अब
यूपी मैनपुरी चुनाव में जो उपचुनाव हुए उसमें बड़े बड़े दावेदारों को पछाड़ते हुए धर्मेंद्र यादव, शिवपाल यादव को पछाड़ते हुए डिंपल यादव चुनी गई और डिंपल यादव मैदान में उतरी। आपको बता दें डिंपल यादव की सूझबूझ ने जो एक रिश्ता टूट गया था चाचा भतीजे के बीच उसको भी एक लाकर खड़ा कर दिया। शिवपाल यादव और अखिलेश यादव एक साथ डिंपल यादव के लिए प्रचार करते हुए दिखाई दिए। शिवपाल यादव ने कसम खा ली कि अब डिंपल को जिता के ही दिखाना है और डिंपल यादव की सूझबूझ ने जब एक परिवार एक साथ आके खड़ा हो गया तो डिंपल यादव यह चुनाव 3 लाख वोटों से जीत गई, 3 लाख वोटों के अंतर से जीत गई। तो ये है डिंपल यादव, ये है इनका चुनावी सफर, ये है इनका राजनीतिक सफर। 3 बार लोकसभा में भारी जीत पा चुकी है डिंपल यादव। एक आर्मी घर से आती है डिंपल यादव, उनके पिताजी आर्मी मैन थे। जब शादी के बाद एक राजनीतिक परिवार में आ जाती हैं तो वह भी अपना जलवा दिखाने में पीछे नहीं रहती हैं। ये है डिंपल यादव। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।